दोस्तों, आज मैं आपसे लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और एक बार में ही बनकर के तैयार हो जाती है। ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी चीनी ले लिया है। आप कोई सा भी गिलास कटोरी सेट कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें हमने डाल दिया है 7 से 8 इलायची। इसको हमने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि इसे पीसना है तो ये आराम से उसमें पीस जाएगा। हमें डबल ट्रिपल मेहनत क्यों करनी। तो देख लीजिए, हमने इसको पीस करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल ये जो पाउडर है एकदम बारीक है और आप भी इसको ऐसे ही पीस करके तैयार करिएगा। साथ ही हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जो हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे थोड़े से काजू हैं, मगज के बीज हैं, बादाम है और ये है मुनक्का। इसके अंदर बीज होता है तो आप इसको निकाल लीजिएगा और इसके बाद से इसको काट करके और तैयार कर लीजिएगा। देखिए, हम सारी चीज़ों को काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब आती है बारी सूजी की। तो देखिए, सूजी हमने ले लिया है इसमें 2 कटोरी। जिस कटोरी से हमने चीनी नापा था उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी सूजी ले लिया है। ये नॉर्मल सूजी है जिसका हम हलवा बनाते हैं या फिर अलग अलग तरह की व्यंजन बनाते हैं, ये वही वाली सूजी है। इसको डालेंगे इस पैन में और इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको खूब अच्छे से हम सेक लेंगे। सेकने के साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है। इसको उतना भूनना है जितने में इसका कच्चापन निकल जाए। तो देख लीजिए, ये थोड़ा सा भुन गया है, इसके दाने अलग हो गए हैं, बिल्कुल भुरभुरी सी हो गई है ये। इट मीन्स ये भुन गई है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद क्या करेंगे कि हम अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से हम खूब अच्छे से इसे भून लेंगे। इसको आप अलग से भी भून के डाल सकते हैं, बट हमें क्यों मेहनत ज़्यादा करनी। अगर आप काम इसी में हो जा रहा है तो फिर हम अपना काम इजी ही करेंगे ना। तो देख लीजिए, हमने सूजी में ही डाल दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले मत डालिएगा ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको, जब सूजी भून जाए थोड़ी सी उसके बाद डालिएगा, हल्का सा कसर रह जाए तभी इसको डालिएगा और इसको साथ के साथ ही भून लीजिएगा। तो देख लीजिए, भूनते भूनते हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। एक एक दाना अलग हो गया है। इस लड्डू को बनाने में बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आप एक चीज़ सेट करिए और उसके बाद से सारी चीज़ें उसी से नाप करके डालिए। तो देख लीजिए, सूजी अच्छे से भुन गई है और अब इसमें हमने डाल दिया है ये पिसी हुई चीनी। चीनी डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ये जो चीनी है वो कैरामलाइज हो जाएगी, यानी कि वो पिघलने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। तो जब थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाइए तब इसमें हम डाल देंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी के आसपास। ये घर की मलाई है, जो दूध की मलाई फ्रेश होती है ये वही मलाई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट की जो मलाई मिलती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखेंगे और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख लीजिए, जब इसको थोड़ी देर यानी कि आप 5 मिनट तक आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल पेंदी छोड़ने लगेगा और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। तो देख लीजिए, अब क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी वगैरह डाला हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप इसको गर्म गर्म में मत बांधिएगा। जब इसे रख देंगे आप 5-6 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा जितना हाथ सह सके। तो देख लीजिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये जो मिश्रण है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम ऐसे ही थोड़े थोड़े ले करके और इसको हम बांध लेंगे। बांधने में बहुत आसान है, बच्चों को भी दे देंगे, वो खेल खेल में बांध देंगे। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे दूध के साथ खाएं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए कितना मक्खन जैसा ये सॉफ्ट बनकर के तैयार हुआ है, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो देख लीजिए, एक मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ विद प्रूफ कि ये लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। मतलब आप बिना एफर्ट के इसको खा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सूजी के जब लड्डू बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बट आप इस वाले टिप्स को, इस वाले ट्रिक को आजमाइएगा, आपके लड्डू बेहद शानदार बनेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की रेसिपी। हमारे आज के जो सूजी के लड्डू थे वो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा से भी पसंद आई है रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तो थी आज की रेसिपी, मिलते हैं नेक्स्ट।